तो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमालयन मंग वेब ब्लॉग्स में। तो आज संडे और आज कन्नड़ों का फाइनल। तो यहाँ के जो खेतों के मैच होते हैं ना, अभी तो मैंने फील्ड का मैच दिखाया था, एक आपको दिखाया था जब पौड़ी प्रीमियर लीग। तो आज मैं दिखाऊंगा खेतों में मैच कैसे होते हैं। तो कन्नड़ों की टीम पहुँच चुकी है फाइनल में, तो आज हम जा रहे हैं अभी। तो देखते रहिए आगे का ब्लॉग। तो इस टाइम मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ ड्रोन, और मैंने एक ब्लॉग अपलोडिंग में लगा रखा है जो शायद आप लोग देख चुके होंगे। तो अभी अपलोड हो रहा है ये। तो सूरज भाई, काफी दिनों बाद ब्रांड स्टूडियो के ब्रांड मैनेजर आ चुके हैं। हाथ मिला रहे? अरे हाथ ठंडे हो रहे हैं सूरज भाई। अभी देखिए कितनी ये वाली जैकेट, एक ये है ना एक वाली। अरे वाह, ये देखिए ब्रांड तो अचानक से मौसम हो गया चेंज, बहुत ही ठंडा हो चुका है पौड़ी का मौसम। मतलब बस बोलते हैं ना इसको बिल्कुल चिल्ड, तो मतलब वैसे ही कुछ हो चुका है पौड़ी का मौसम। लेकिन खिली खिली धूप भी है, तो डरने की कोई बात नहीं है, धूप से क्या आराम से। तो इस बार हम कार पे नहीं, इस टाइम हम जा रहे हैं डुक डुक में, और काफ़ी मतलब मजे करते करते गए हम बीच में रुक रुक के। तो अभी हम रुक चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ से उड़ाएंगे हम ड्रोन और दिखाते हैं आपको यहाँ से कैसा व्यू है। तो ये है देहरादून हाईवे, देहरादून को जाते हैं हम। अभी गुड़दौड़ी नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ से खोलाचौरी थोड़ा सा ही पास है, मतलब अभी 4 किलोमीटर दूर होगा। तो हम पहुंच चुके हैं ग्राम खोला, जिसको खोला चोरी भी बोलते हैं। आप लोगों को किसी को पता नहीं होगा, तो अगर आप घुड़दौड़ी से देहरादून की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में सुंदर सा गांव पड़ता है, वही खोला चोरी है। तो बहुत ही अच्छा गांव है, सुबह से शाम तक यहां पे धूप होती है, और इसी के बीच यहां पे खेला जा रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि हर साल ही यहां पे आयोजित होता है, और हमारी टीम हर साल यहां पे पार्टिसिपेट करती है। मौसी भी आई है मैच देखने आज। ये हमारी बाजी है, तो अभी चल रही है फाइनल मैच की शुरुआत की प्रक्रिया। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आज टूर्नामेंट होने वाला है, R11 वर्सेस KP11 के बीच। दो ही बहुत ही बिगेस्ट टीम है, इसीलिए फाइनल तक पहुँची है। तो देखते रहिए आगे का ब्लॉग। तो इस खिली खिली धूप में खोला गांव के सभी लोग अपनी छतों से इस मैच का आनंद लेते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और खिली खिली धूप में आज तो मौसम भी साथ दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे सामने मेरे पापा तो टीम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि कैसा खेलना है। तो पापा हर मैच देखते हैं, क्योंकि लड़का कोई भी मैच मिस नहीं करते, और टीम का काफ़ी हौसला बढ़ाते हैं पापा। तो R11 ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया, और KP11 की कर रही है फील्डिंग अभी। तो देखते रहिए आगे का मैच। तो अभी जो सामने बॉल डाल रहा है वो कन्नू, तो जिसको पता नहीं है कन्नू, तो कन्नू है मेरा भाई, और कन्नू एक बहुत ही घातक ऑलराउंडर भी है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी करता है। और अब जो सामने बॉलिंग कर रहा है वो है फास्टेस्ट बॉलर हमारी टीम का राजा, और राजा एक ऑलराउंडर है, बहुत ही लंबे लंबे हिट भी लगाता है। तो R11 ने अपनी पारी में बनाए 189 रन, और अब KP11 की बैटिंग है। तो सामने जो दिख रहे हैं आपको वो है कन्नू और करण, जो ओपन करते हैं KP11 के लिए। तो करण जाना जाता है अपनी ओपन बैटिंग के लिए, बहुत ही घातक बल्लेबाज करण, और एक बहुत ही अच्छा फील्डर भी, टीम के लिए हमेशा योगदान देते हैं। तो ये तो सीधे हिट मारेंगे विकेट पर, नाखून उखाड़ कर
नीचे लेट गए थे। एक बार फिर हल्के से धक्के जब तक दानों के द्वारा गेंद फील्ड तब तक। एक बार तीन नंबर जर्सी पहने हुए। तो अब बैटिंग में आ चुके हैं अजय नेगी, हमारे टीम के विकेट कीपिंग बहुत ही चुस्त विकेट कीपर हैं ये, और बैटिंग तो इनके बल्ले का कोई जवाब ही नहीं, रुकता ही नहीं है इनका बल्ला। तो अभी जो करंट स्कोर है वो है 45 और ओवर चल रहा है अभी, सिक्स्थ ओवर चल रहा है और एक विकेट हमारा नुकसान हो चुका है। आपका गांव, आपका शहर, आपका नगर और आपका घर खोला। अब दो बॉल शेष यहाँ पे सामने ग्रह देने की खूबसूरत शॉट, धकेला गेंद को जब गेंद फील्ड होती देखने का, चार रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। लेकिन तो अभी कन्नू खेल रहा है 66 रन में, जिसमें कि वो 7 छक्के और एक चौका मार चुका है अपने बल्ले से। अब आ चुका है बैटिंग एंड में जग्गी। जग्गी एक बहुत ही घातक बॉलर और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज भी है, तो अब देखते हैं क्या कमाल करते हैं यहाँ पे जग्गी। एक बार फिर जग्गी। तो यहाँ पे काफी घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं जग्गी, अपने टीम को जीत की तरफ ले जाते हुए जग्गी, और बहुत ही शोरगुल होता हुआ इस मैदान में। तो अजय भाई का बल्ला भी रुक नहीं रहा है, छक्के चौके छक्के चौके, तो यही चाहिए एक टीम को जीत दिलाने के लिए। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल में पहुंचते हैं यहाँ पे, क्योंकि 18 रन तक पहुंच जाएंगे यहाँ पे अंकित नेगी। लेकिन पहुंचते यहाँ पे अगर एक रन मारते यहाँ पे 151 रन, अगर ये टूर्नामेंट का फाइनल सुपर ओवर में जाते तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। मैच यहाँ पे काफी रोमांचक हो चुका है, 6 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता यहाँ पे, तो जग्गी डट के सामना कर रहे हैं, और उधर से नॉन स्ट्राइक एंड में है दीपक वोगना, वो भी घातक बल्लेबाज और घातक गेंदबाज। तो इस मुकाबले को अपनी झोली में कर दिया हमारी टीम के पी लिया उन्होंने, तो काफ़ी खुशी हो रही है, और आज का मैच बहुत ही फुल पैसा वसूल मैच था। तो लोग आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो चुकी है, इतनी कंडोलियाँ मैदान में नहीं होती जितनी यहाँ गांव में हो गई है भीड़, तो सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं धूप में इस मैच का।
टीम विजय रही, बहुत बहुत बधाई है आपको, और जो यहाँ पे रन अप रही उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। तो आज इस मुकाम है आज के जो कन्नू कन्नू मैन ऑफ द मैच। श्री शिवदास सिंह नेगी जी के द्वारा कन्नू को आज का जो मैन ऑफ द मैच वरिष्ठ नागरिक ग्राम खोला। बहुत बार आते हैं यहाँ पर और मुकाबलों को जीत करके सहयोग करते। तो जो बेस्ट बैट्समैन 250 रन यहाँ पे मारे थे रोहित ने, सोबित ने दो मुकाबले मात्र यहाँ पे खेले और 250 रन उनके द्वारा बनाए गए थे। किसको जाएगा? बेस्ट जग्गी को तो जग्गी पे पार्टी यहाँ पे श्री दिनेश नेगी जी के द्वारा में मेडल दिए जाएंगे यहाँ पर। श्री दिनेश नेगी जी अगर मेरी आवाज सुनते हैं तो एक एक कर टीम के लिए तो और जो इनामित राशि मुकाबले में काफी अच्छा यहाँ पे खेल आपका रहा है और निराश होने की आपको भी आवश्यकता नहीं। और साथ में कन्नू, तो मैं एक एक करके मेडल के लिए आपको संशोधित करूंगा। कपरवान जी आप एक एक करके प्लीज सुरेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा एक सुपात समिति को दान देगा। एक बार कन्नू ने आज मैच को जीता के अपने पक्ष में गुणा करण द्वारा मैच खेलने और आज अच्छा बैटिंग दिखाया और यहाँ पे जीत दर्ज करवाया अपनी टीम के लिए। तो बहुत बहुत बधाई है केसी 11 आपके लिए। 3 साल से लगातार आपने यहाँ पे प्रदर्शन किया और इस बार फाइनल जीतने में सक्षम। तो धीरे धीरे यहाँ पे जग्गी राजा सैलू और राजा एक बार फिर सूरज एक बार फिर राजा। तो दो राजा इस टीम ने तो रंग को बना दिया आज। तो किसी भी खेल में एक टीम हारती है जीतते निराश होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं आते, क्योंकि निराशा जनक अगर यहाँ से आप जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार फिर और अभी मैं दो इच्छा बोल करूंगा आप थोड़ा सा समर्पित हो जाए बैठ जाए क्योंकि दो इनाम यहाँ पे छोड़ चुके हैं। गोपी कपड़वान जी थोड़ा सा आप बैठ सकते हैं 2 मिनट के लिए। जो सबसे बेहतरीन है वो खुद श्री नरेंद्र सिंह ने जो अंपायर की भूमिका में आज से पार्टी के लिए होनी चाहिए। तो ये देखिए जीत के बाद सीधे मम्मी पापा का आशीर्वाद लेती पूरी केपी 11 की टीम। उसके बाद हुई नाइट पार्टी, तो उसमें मैंने क्या था, मेरा हो रहा था सर दर्द। तो ये देखिए जीत का जश्न क्या होता है कोई करण से जाने। करण पूरा खुला चोरी से ही सनरूफ में बाहर निकल के ट्रॉफी के साथ पूरा बॉडी तक आया है। होप आपको ये पहाड़ी क्रिकेट वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए वीडियो को। आगे भी ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।